के मतलबी दुनिया मतलबी लोग हैं और आज की कोई वीडियो नहीं ये मेरा सड़ा सा ब्लॉग है कट करो यार। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और वेरी लेट ब्लॉग। ये लेट ब्लॉग इसलिए है क्योंकि आजकल मेरे घर में कुछ काम चल रहा है, ये शायद तुम्हें पीछे से आवाज़ भी आ रही हो। और उत्तराखंड में, जैसे कि आपको पता है कि मैं उत्तराखंड से हूँ, क्या किसी को नहीं पता? जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ और यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैं बाहर जाके अपने वीडियोस और अपने ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ, और बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो आज का सीन ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे ब्लॉग डालना ही डालना था और काफ़ी दिन से मैंने कुछ डाला भी नहीं था, और इसलिए मैं अपने घर के ऊपर बैठ रखा हूँ। कितनी सही बात है ना कि घर मेरे नीचे, मैं घर के ऊपर मतलब अपने छत के ऊपर बैठ रखा हूँ, तुम पता नहीं क्या सोचो। तो मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया अपने घर से और मेरे को खुद को नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो चलो जैसा भी होगा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की ओर। और ये तुम लोग सोच रहे होगे ये पीछे इतनी आवाज़ ठक ठक क्या हो रहा है, चलो आओ उसका भी सस्पेंस तोड़ें। तो ये पीछे हो रहा है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो गेट है मेरे घर का, ये चेंज हो रहा है, जिसके लिए हमें पुराना वाला तोड़ना पड़ रहा है। और ये भैया हैं, ये इसे तोड़ रहे हैं और इसके बाद ये वाला गेट लगने वाला है, तो इसलिए आवाज़ आ रही है। वाह, गाड़ी जा रही है, आहा। तो देख लिया तुम लोगों ने वो क्या हो रहा था, और यही है वो लेजेंडरी छत जहाँ पे बैठ के मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ। और इसी बात पे मैं कुछ फरमाना चाहूँगा अपने दोस्तों के लिए कि मेरे दोस्त मुझसे बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत गम है तो हमें थोड़ा और दे दो, कि मेरे दोस्त मेरे से बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत गम है तो हमें थोड़ा और दे दो। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये लो अपने अंदर कांटों का पेड़ ले लो। और आजकल साथ साथ में ये काम भी चल रहा है, तो मैं ये बाद में बताऊंगा आपको क्या चल रहा है। फ़िलहाल अभी ये बन रहा है आजकल, इसलिए मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाता वीडियोज़ बनाने का। और ये पीछे मेरे खेत है, और मैंने जो अभी आपको बताया कि ये मेरे पीछे कुछ बन रहा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, शायद अपने आने वाले ब्लॉग्स में आपको बता दूंगा कि क्या बन रहा है। और अब तो शायद आपको पता लग ही गया होगा कि मैं उत्तराखंड से हूँ, क्या अभी भी पता नहीं लगा? तो बहुत बातें कर ली अपने छत पे और अब हम चलते हैं नीचे। तो आइए अब नीचे चलते हैं हम। तो अभी जब मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तो आते वक्त देखो क्या हो गया। तो ये खून कैसे निकला मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे सरियाँ रखी हुई थी, ये सीधा ये जो सीढ़ियों का गेट है इसके आगे यहाँ पे रखी हुई थी। ये किस रीज़न से रखी हुई है मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो ये है रीज़न, ये हमारी बकरी है जो कि ऊपर ना जाए, इसलिए यहाँ पर वो सरिया लगाई हुई थी। वो ऊपर क्यों ना जाए, क्योंकि ये जो हमारा ये डिश है ये वो हिला देती है ऊपर जाके, तो इसलिए यहाँ पे ये लगाई हुई थी। और ये जो इसकी यहाँ पे ऐसे देखो बहुत ज़्यादा शार्प है, और ये मेरे सीधा ऐसे हाथ में जाके लगा, तो हाथ का अंजाम ये हो गया। ये देख ले तेरी वजह से क्या हो गया। तो बस ऐसी मामूली सी बात थी, ये तो होता ही रहता है, नॉर्मल सी बात है। तो बस मैं पूरे दिन भर में यही करता हूँ, बस अपने घर में रहता हूँ, थोड़ा यहाँ वहाँ का काम देखता हूँ और अपने वीडियोस बना लेता हूँ इंस्टाग्राम के लिए। तो बस यही सब बातें हैं और कुछ कर नहीं सकते, और लॉकडाउन में हम करें भी क्या। और जब मेरा कभी मन नहीं लगता, जब टाइम पास नहीं होता, तो शाम को और इस टाइम पे मैं ज़्यादातर अपने दोस्त के यहाँ चले जाता हूँ। ये बाजू में ही घर है जो आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, और घर में काम रहता तो ये निपटा देता हूँ। और ये देखो सामने से मम्मी भी आने लगी अब तो। तो मम्मी काम करते कहाँ हो तुम लोग, करी तो नहीं रहे हो काम? अरे तुम शांत रहो तो यार, तुम इतना ही बोल रहे भाई। मम्मी आज से हम डालेंगे ब्लॉगिंग, ठीक है? हम जो मतलब जो करते हैं, मतलब जो मैं काम करता हूँ मैं वो दिखाऊंगा, और जो हम पूरे करते नहीं हो तो क्या दिखाओगे? गजब बेइज्जती है, इसको कट करो यार। तो ये जो सामने से रोड जा रही है, यहीं पे मेरे दोस्त का घर है जहाँ आपने उसके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे मेरे साथ। तो आइए उसके पास चलते हैं, पास में ही है, ये मेरा घर रहा और ये उसका बाजू में है, पास में ही है। तो अभी मैं उसके पास चल पड़ा हूँ और अभी पहुँचते हैं, देखते हैं वो क्या करता है। वैसे तो भाई वो करता है, वो पेंटर है, आर्टिस्ट है, स्केच बनाता है, तो शायद वही बना रहा होगा। तो आइए उससे मिलने चलते हैं। तो ये अपन चलते चलते यहाँ पे उसके घर पहुँच चुके हैं, और यही है उसका घर। सीधा पूछना ताछना अपन सीधा अंदर घुस जाते हैं भाई, अपन को VIP एंट्री है। तो अभी ये क्या कर रहे होंगे, ओहो देखा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई ये स्केच बनाता है, तो अभी भी ये सामने स्केच बना रहा है हमारे भाई साहब। भाई सूरज वेलकम टू माय ब्लॉग, से हाय टू माय ब्लॉग। हे गाइस व्हाट्स अप। तो ये देखो उफ, तो यहाँ पे ये हमारे ऋषि कपूर जी की ये
स्केच बना रहे हैं और काफी मेहनत लगी भाई। ये कब से बना रहे हो तुम? होगा 4-5 दिन। उसमें एक ही कैरेक्टर नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर बनाए मैंने। तो जैसा कि हमारा दिन का काम यही रहता है, हम बस एक दूसरे के घर में यहाँ से वहाँ डोलते रहते हैं और ये यहाँ पे स्केच बनाते रहता है। मैं अपनी वीडियोस बना लेता हूँ। ये पीछे भगवान जी है तो बेटा तुमको अभी पता है मैं अपने यहाँ से उधर डांट खा के आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ पे। मैंने कहा अपने दोस्त के यहाँ पे जा रहा हूँ तो मम्मी बोलती है कोई जरूरत नहीं, अब यहाँ पे अपना काम वाम निपटाओ। तो ये उनको टाइम लग जाएगा बनाते बनाते, तब तक हम अपना कुछ और काम देखते हैं यहाँ पे। तो गाइस इसे कहते हैं टॉर्च। अब मैं ब्लॉग में क्या बताऊं क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हमें जो मिल रहा है हम और ये इसको गुस्सा बहुत जोर से आया है, बहुत जोर से आया है ऐसे गुस्सा। लेकिन ये अभी वीडियो है तो सामने, तो इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। इसे बहुत जोर से गुस्सा आया है। देखो टॉर्च गिर गई नीचे, अब इसके नीचे गिर गई वो रही। देखो तो टॉर्च नीचे गिर गई थी और इसे बहुत जोर से गुस्सा आया था। वो तो अच्छा हुआ कि कैमरा चालू था, इसे गुस्सा नहीं आया, वरना मेरे पे बहुत ज्यादा चिल्लाता। वाह यार सूरज, आज ये तुम्हारा हमने प्यारा रूप भी देखा। इतने नर्मदा से बात तुम वैसे करते नहीं हो। नर्मदा। तो गाइस हमारे भाई साहब सूरज की आर्ट वर्क पूरी हो गई है और मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ कि इन्होंने भाई क्या क्या बना रखा है यहाँ पे। तो गाइस जैसा कि मैं बता रहा था कि अपने सूरज भाई एकदम एक नंबर के टैलेंटेड इंसान है भाई, ये आर्टिस्ट हैं। तो आप देखिए इन्हें इतने सारे यहाँ पे ऑलरेडी फेसेस बना रखे हैं। तो ये ऋषि कपूर जी की यहाँ पे इन्हें पूरी जर्नी बना रखी है। तो आप देख सकते हैं एक आर्टिस्ट भाई कितनी मेहनत करता है। तो गाइस अपन यहाँ से चलते हैं। ये भाई साहब अपना काम कर रहे हैं, इनको अपना काम करने दो, हमको डिस्टर्ब करना सही नहीं लग रहा। तो हम अपने घर चलते हैं। बाय सूरज, टाटा। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और मेरे घर से कॉल भी आ गया था मम्मी का कि कहाँ है, जल्दी आ घर पे। और अभी हम अपने घर में जा रहे हैं भाई। तो अब हम अपने घर में आ गए हैं और बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। मुझे पता है कि उतना खास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है, क्योंकि मुझे डालना ही था वो भले कुछ भी हो तो। और बस अभी हम खाना पीना खाएंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ तैयारी में लग जाएंगे। तब तक आप ऐसी हमारी वीडियोस देखते रहिए, ब्लॉग देखते रहिए। और तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस पे। बाय।